ये है Vivo X16 Pro, तो ऑब्वियसली अनबॉक्स करते हैं। बाकी इसकी प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। ये स्मार्टफोन कई कलर वेरिएंट के साथ में आता है, जिसे इस वीडियो में आप देख पाओगे। जहां बॉक्स ओपन करने पर सबसे पहले में स्मार्टफोन मिल जाता है विद प्रोटेक्शन, वहीं बॉक्स के सेकंड सेक्शन में 66 वॉट का एक अडेप्टर जो आता है फ्लैश चार्जिंग के साथ में, और इसके साथ ही USB A टाइप सी डेटा केबल और एक ट्रांसपेरेंट कवर अब आते हैं सीधे स्मार्टफोन में, जहां पर 6.78 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में। वहीं स्मार्टफोन के टॉप में प्रोफेशनल पोर्ट्रेट की ब्रांडिंग के साथ में एक सेकेंडरी माइक्रोफोन, बाकी लेफ्ट साइड बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। राइट साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन के साथ में पावर बटन, वहीं पर स्मार्टफोन के बॉटम में स्टीरियो स्पीकर, USB टाइप सी पोर्ट, माइक्रोफोन और सिम ट्रे। वहीं पर बैक साइड में ट्रिपल रियर कैमरा स्टेप, जिसका प्राइमरी सेंसर है 50 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी सेंसर है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स के लिए, और थर्ड सेंसर है 2 मेगापिक्सल का माइक्रो के लिए। इसके साथ ही एक रिंग शेप में LED फ्लैश, और इसके साथ ही राइट कॉर्नर में Vivo की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। पर बात करें फ्रंट साइड की, तो वहां पर एक सेंटर पंच होल कटआउट देखने को मिल जाता है, जिसमें लगा हुआ 50 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर सेल्फी और वीडियो कॉल जैसी चीजों के लिए। और इसके साथ ही यहाँ पर में डुअल सॉफ्ट LED फ्लैश देखने को मिल जाता है, जिससे आप अगर डार्क एरिया में भी रहते हो तो आपको सेल्फी और वीडियो कॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी स्मार्टफोन को पावर देने के लिए इसमें लगा हुआ है MediaTek Dimensity 8200 चिपसेट, और ये MediaTek की तरफ से आने वाला लेटेस्ट और पावरफुल चिपसेट है, जिस कारण से इस स्मार्टफोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चाहे आप नॉर्मल यूज करें या फिर इसमें हाई वेरिएंट के गेम को हाई ग्राफिक्स पर प्ले करें, किसी भी गेम को अगर आप लंबे टाइम तक भी प्ले करोगे तो आपको हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलेगा। बाकी स्मार्टफोन के कैमरे आपको चुटर-पुटर और खटर-पटर काफी सारे कैमरे में फीचर और मोड्स देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप एक एक करके ट्राई करना। और इसी स्मार्टफोन के कैमरे को यूज करते हुए कुछ इमेजेस को क्लिक किया गया है, जो अभी आप फिलहाल अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। बाकी स्मार्टफोन में 4600 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जिससे इसे चार्ज करने के लिए 66 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जिससे यह स्मार्टफोन कुछ मिनटों में फुल चार्ज हो जाता है। बाकी ये स्मार्टफोन 3 कलर वेरिएंट के साथ में 2 स्टोरेज वेरिएंट पे अवेलेबल होगा। एक होगा 12GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज, और दूसरा होगा 12GB रैम 512GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट। पर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इसके बेस वेरिएंट की प्राइस होगी 40,000 के अराउंड में।